जो फ्यूज का काम होता है वही एमसीबी का भी होता है। घर में पहले एमसीबी नहीं लगा होता था, लेकिन अब खाली फ्यूज लगा होता था। तो फिर हम लोगों को देखने नहीं देंगे पूरी लाइट को काटने के लिए। देखो पूरी लाइट को काटने के लिए हम फ्यूज निकाल देंगे तो पूरी लाइट कट जाएगी, और एमसीबी को उठा देंगे तभी पूरी लाइट कट जाएगी। लेकिन एमसीबी का मेन काम क्या होता है, अगर ओवरलोड कहीं हो गया तुम्हारे घर में तो पहले तुम्हारा ऑटोमेटिक कट जाएगा। मैंने ये ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए एमसीबी लाया गया है, ठीक है। फ्यूज में भी तो उसके अंदर का तरवा जल जाता है ना, तो उसको निकाल करके फिर तरवा लगाओगे। लेकिन इसमें आसानी है कि नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है और इसमें काम बढ़ जा रहा था कि नहीं। तो फ्यूज के बाद ये फिर हमारा रिप्लेसमेंट होकर के इसको भी एक मेथड लगाएगी कि चलो भाई एमसीबी आ जाएगा, ये फ्यूज को भी बचा लेगा। अब देखो एमसीबी जैसे अब एमसीबी फ्यूज से पहले एमसीबी ऑपरेट हो जाएगा, फ्यूजवा का वो अंदर वाला तरवा जो रहता है वो जल नहीं पाएगा, तो पहले यही ऑपरेट हो जाएगा। तो कहाँ जाए, तो फिर सप्लाई हमारी कट जाएगी, ठीक है। अच्छा देखो इसमें लिखा था रजिस्टर ना, डायोड का नाम तुम लोग सुने हो कि नहीं? डायोड, डायोड यहीं कहीं बना होगा, डायोड नहीं यही कहीं बना था। इसमें नहीं डायोड नहीं, आनंद बगल वाले रूम में नहीं, बुलवाइए।